दोस्तों मैं भी कास्टोली यूट्यूब पे अपनी तीसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों जो इस बार वीडियो लेके आए हैं वो एटीपी रैंड नंबर 3 अलेक्जेंडर ज़वेरेव जिन्हें साशा भी बोलते हैं उनके रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आया हूँ। जो उनका मैच था ब्रैंडन के साथ, वो भी अच्छे प्लेयर हैं बट ज़वेरेव ने 8 ना चल दी थी। एटीपी रैंड नंबर 3 वर्सेज एटीपी रैंड नंबर 75 के ऊपर मैच था ये, और ये रोलैंड गैरोस थर्ड राउंड का मैच था। काफ़ी रोमांचक मुकाबला हुआ। पहला और तीसरा सेट सेकंड सेट में सर्विस ब्रेक हो रही थी। पहला और तीसरे सेट में दोनों बार टाई ब्रेकर में पहुंचा। काफ़ी अच्छा मैच हुआ दोस्तों, वो वाला तो खास था फेस। दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले एक बार फिर से यही बता देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो ताकि सारी की सारी दोस्तों आपको अपडेट्स मिल सके। अब बढ़ते हैं वीडियो के पोस्ट मैच एनालिसिस पर। पहले सेट की ओर बढ़े तो दोस्तों शुरू में तो कोई सर्विस ब्रेक नहीं हुई, 1-1, 2-2 हुआ। उसके बाद ब्रैंडन के पास 8-2 ब्रेक पॉइंट्स आए बट ब्रेक पॉइंट्स को कन्वर्ट सक्सेसफुली नहीं कर पाए सर्विस ब्रेक करने की साशा में। तो इसी तरह ये चलता रहा सिलसिला, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हो गया। उसके बाद आया टाई ब्रेकर में इस बार साशा ने शानदार प्रदर्शन किया। पिछली बार भी उनके साथ एक टाई ब्रेकर किया था ब्रैंडन ने और वो 10 पॉइंट्स उसमें जीते थे, वो ब्रैंडन उसमें टाई ब्रेकर जीते थे साशा से। तो इस बार टाई ब्रेकर में बदला पूरा किया और टाई ब्रेकर हराया ब्रैंडन को साशा ने। सेकंड सेट की ओर बढ़े तो सेकंड सेट में शुरू में तो बराबर रहा 1-1, 2-2। उसके बाद अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने सर्व ब्रेक की ब्रैंडन की और अपनी सर्व पे होल्ड रखते रहे और सेकंड सेट अपने नाम किया। देखा जाए तो अच्छा प्रदर्शन किया सेकंड सेट में आज तक टू फर्स्ट सेट, और दूसरे ब्रैंडन ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया देखा जाए तो। थर्ड सेट की ओर बढ़े तो थर्ड सेट में शुरू में ही सर्व ब्रेक करने में कामयाब रहे। 1-1 था, 2-2 था, उसके बाद 3-2 कर दिया ज़वेरेव ने। उसके बाद तुरंत ब्रेक बैक कर दी सर्व ब्रैंडन ने। वजह था कि मैच में कुछ रोमांचक हो सकता और ये मैच फिर से गया टाई ब्रेकर में, 3-3 हो गया था जब दोनों ने पहले साशा ने की सर्विस ब्रेक, उसके बाद ब्रैंडन ने की, और जैसे ही ब्रैंडन ने सर्व ब्रेक की तो ये वाला सेट भी बराबर हो गया 3-3। उसके बाद 4-4 हुआ, 5-5 हुआ, 6-6 हुआ। उसके बाद ब्रैंडन लग रहा था कि क्या ये टाई ब्रेकर में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे एज कम्पेयर टू ज़वेरेव। ज़वेरेव ने देखा जाए ये वाले सेट में अच्छा प्रदर्शन किया था शुरू में बट उनके उसके बाद सर्व थोड़ी शेकी हो गई और ब्रैंडन ने बड़ी शेकी सर्व का फायदा उठाया, उनकी सर्व ब्रेक की, अपनी सर्व पे होल्ड रखा हमेशा और टाई ब्रेकर में पहुंचा। टाई ब्रेकर में इस बार पहले टाई ब्रेकर से ज़्यादा अच्छे पॉइंट लिए, पिछले टाई ब्रेकर में 2 ही पॉइंट ले पाए थे, इस बार टाई ब्रेकर में 5 पॉइंट ले पाए। बट साशा ने टाई ब्रेकर में इस बार भी 7 पॉइंट पहले ले लिए और टाई ब्रेकर जीता। पहले वो टाई ब्रेकर भी नहीं जीते थे ब्रैंडन से जो हुआ था US ओपन में, और इस बार उन्होंने टाई ब्रेकर में दोनों बार जीता और विद इन 3 स्ट्रेट सेट्स में जीता। अल्लाह मैच फिक्स कराया स्पेन के खिलाड़ी के साथ मैच, अब वो अच्छा प्लेयर खेल रहे हैं क्योंकि वो जॉन इस्नर को हरा चुके हैं और टेलर फिट्स को हरा चुके हैं दोस्तों। अब उनके बढ़ जाते हैं स्टैट्स में। स्टैट्स में देखा जाए तो साशा ने इस बार बहुत ज़्यादा फाड़ दी स्टैट्स में, क्योंकि एसीज उनके 2 डिजिट में और 2 डिजिट में बहुत ज़्यादा है। 18 एसीज उन्होंने हासिल किए। दूसरी ओर देखा जाए ब्रैंडन ने भी कम एसीज नहीं हासिल किए, 8 एसीज हासिल किए। ज़वेरेव के इतने डबल फॉल्स नहीं है बट ब्रैंडन के देखा जाए 5 डबल फॉल्स हैं। दूसरी ओर साशा ने जो ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्ट किए वो 2 बार कन्वर्ट किए क्योंकि 2 बार सर्विस ब्रेक की, और दूसरी ओर ब्रैंडन ने सिर्फ 1 ही बार सर्विस ब्रेक की तो 1 ही ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट किया। तो वो चाहेंगे कि अगली बार ब्रेक पॉइंट ज़्यादा कन्वर्ट करें ब्रैंडन और साशा दोनों, क्योंकि अब साशा की धीरे धीरे जो मैच होंगे वो टक्कर वाले ज़्यादा होते जाएंगे दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट मैच वो स्पेन के खिलाड़ी को हरा देंगे, क्योंकि जो वो है बहुत शानदार परफॉर्मेंस चल रही है दोस्तों। आपको लगता है, आप अपनी राय दें और वीडियो अच्छी लगी है या दोस्तों वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ढेर सारा प्यार देते रहो दोस्तों। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।